की बात है कि जिस देश में नारी शक्ति दबा के दूसरे देश में कुछ ऐसी घटना जब घटती है और वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पर महिलाओं को सेफ फील होती है कि यहाँ जाएंगे तो कुछ हमारी पुकार होगी, और ऐसी जगह पे जब ऐसा कुछ होता है क्या आप बताना चाहेंगे? बस मैं यही बताना चाहती हूँ कि जब मैं वहाँ पर गई थी मुझे कुछ भी आभास नहीं था, क्योंकि अगर मुझे थोड़ा सा भी आभास होता तो शायद मैं बाउंसर्स लेके जाती या मैं अपनी सिक्योरिटी लेके जाती, कि मुझे थोड़ा सा भी आभास होता कि ये लोग मेरे साथ ऐसा गलत करने वाले थे। मुझे बस जस्ट पीछे से एक कॉल आई कि यहाँ से निकल जाओ क्योंकि और भी भीड़ आ रही है, शायद भीड़ में ये लोग आपके साथ कुछ गलत कर सकते हैं। उसके बाद से सुन के पापा रोने लगे और पापा बस मुझे निकाल रहे थे और वो औरतें मेरा मतलब रास्ता रोक रही थी, मुझे जाने नहीं दे रही थी, यहाँ तक कि जो रोड पे गाड़ियाँ चल रही थी मैंने खटखटा के उनसे भीख मांगी कि मुझे बिठा लो भैया, प्लीज़ बिठा लो। वहाँ पे कमांडोज भी थे, कमांडोज की गाड़ी थी जिसमें पुलिस लिखा था ब्लैक कलर की, उन तक ने मेरी मदद नहीं की। तो मुझे ना ये जो चीज़ें हैं, बोलते हैं कि नारी शक्ति जिंदाबाद और नारियों के लिए अच्छा करो, उनको मतलब आगे बढ़ाओ, ये सब चीज़ें क्या है? वहाँ की जनता ने सपोर्ट तक नहीं किया। तो वो जो मैं इंस्टाग्राम पे मोटिवेशनल वीडियो देखती हूँ कि एक लड़की मतलब वो लड़की मर गई, उसका रेप हो गया मर गई और वो लड़का उसे पत्थर मार रहा था, उसकी वीडियो बनाने का लोगों के पास टाइम है बट ये नहीं कि उसका पत्थर छीन लो और उसको थप्पड़ मार के उसको निकाल दो, उस लड़की की जान बचा लो। कल को अगर मैं मरती उस रोड पे लोग बोलते भीड़ में अर्चना की मौत हुई, बट आज जब मैं जिंदा हूँ और आज जब मैं बता रही हूँ कि मैं मौत होने से मेरा बची हूँ तो उस चीज़ पे लोग कुछ नहीं बोल रहे, ऊपर से गलत लड़की को ही बताया जा रहा है। बट मैंने सुना है कि मेरे सपोर्ट में ही है सब लोग, बट फिर भी मैं यही बोलना चाहती हूँ क्योंकि मेरे साथ सामने हुई है, मैंने देखी है चीज़ें। वो जिस तरह से मैंने दुपट्टा खींच रहे मुझे बोनट पे मारा है उन्होंने धक्का देके, मेरे पापा को लात मारी है, मेरे पापा कम से कम एक बुजुर्ग का लिहाज तो करते। अरे मैं जैसी भी थी आपकी पार्टी में थी, अपनी पार्टी में थी, मैं कम से कम प्रियंका दीदी का लिहाज तो करते, उनकी इज्जत का लिहाज करते, राहुल गांधी जी की इज्जत का लिहाज करते। तो मुझे ऐसा लगता है कि संदीप जैसे लोगों को पार्टी से निकाल देना चाहिए, तभी हमारी पार्टी को एक नई दिशा मिलेगी। मैम जिस तरीके से मैम कह रही है कई लोग थे, कई भीड़ में आपको मिले, लेकिन ये सबके दरवाजे खुल गए, मदद मांगा कि आप मुझे प्लीज हेल्प कीजिए, किसी ने मदद नहीं किया, अक्सर लोग तमाशा देखने ज्यादा इंटरेस्टेड है। एग्जैक्टली मैंने भी जब ये वीडियो रात में देखा तो मेरे लिए खुद इतना शॉकिंग था, क्योंकि जहाँ से जो दिल्ली है वो एक सेंटर है, मैंने पहले भी कहा है कि वो राजधानी है और देश के हर स्टेट में हर कोई चाहता है कि हमें वहाँ से सुरक्षा प्रदान हो, और वो जब खुद जा रही हैं जैसे कि उन्होंने अभी आपको बताया और जो उनके साथ वहाँ व्यवहार हुआ पार्टी के एकदम कार्यालय के बाहर, तो ये बहुत ही निंदनीय है जो ये हुआ है, ये एक अपराध है। और मैं चाहती हूँ जैसे इन्होंने अभी राहुल गांधी जी से और प्रियंका जी से रिक्वेस्ट भी किया है, और ये बहुत बड़ा फेस पार्टी का रही हैं, इतना काम इन्होंने इतना साल किया है, उसके बाद अपने बलबूते पे यहाँ तक पहुँचना और उसके बाद इनके साथ रोड पर ऐसा व्यवहार होना, इनके पिताजी के साथ, इनके स्टाफ के साथ, तो मुझे ये लगता है कि इसके ऊपर बहुत जल्दी उनको एक्शन लेना चाहिए। और मेरी भी उनसे रिक्वेस्ट है एज अ मेल कि उनको आना चाहिए इनके सपोर्ट में, और जितना जल्दी हो सके इनको इस पे मिलना चाहिए कि सपोर्ट भी आए और लीगली भी इनको सपोर्ट किया जाए, जहाँ तक मेरा मानना है इस चीज़ के ऊपर। और मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे से पहले कितने लोगों ने उस पे FIR की है, उस पे कंप्लेंट की है, बट मुझे रीज़न समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया है। लेकिन जिस तरीके से कहा जाता है कि हम महिलाओं के लिए खड़े, जैसे आप कह रहे हैं कि कमांडो की गाड़ी थी, कई लोग थे, क्या लगता है कहीं ना कहीं अब महिला सुरक्षित नहीं है ऐसा लगता है? देखो जिस हिसाब से मुझे दिखा है, जो माहौल दिखा है, मुझे लगता है कि सरकार को ना कहने से बेटर हम अपने ऊपर ध्यान दें। मुझे लगता है इस भारत का अगर एक एक बंदा ये सोचने लगे कि हाँ आज से मुझे दूसरे की मदद करनी है, फिर चाहे वो लड़की हो, स्पेशल लड़की के लिए, चलो आप 1% एक शराबी की मदद ना करो लड़की की, एक कम से कम एक लड़की की मदद करो, अगर एक इंसान ये सोच लेता है कि मुझे मदद करनी, तो मुझे लगता है कि लड़की सुरक्षित है। क्या लगता है किस तरीके के स्टेप्स मैम को आगे चल के लेने चाहिए? नहीं, मुझे तो ये लगता है क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और मुझे लगता है कि स्पेशली जो हमारा महिला समाज है उनको इनके फेवर में खड़े होना चाहिए। और मैं तो इंडस्ट्री के हर जो फीमेल हमारी, चाहे एक्ट्रेस है चाहे किसी भी
उसकी हुए हैं, मैं चाहती हूँ कि वो इनके सपोर्ट में आए. मैं खुद इनको सपोर्ट करना चाहती हूँ क्योंकि ये जितना असुरक्षित माहौल अभी हमें दिख रहा है, जो क्योंकि इनका तो अर्चना बहुत नोन फेस है, अगर इनके साथ ये हो सकता है तो एक आम महिला अगर वहाँ जाती है तो उनके साथ क्या व्यवहार हो सकता है. और शायद आज आप सभी मीडिया भाई बहन जितने भी हैं वो अर्चना को सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग अर्चना को सपोर्ट करें, और मैं चाहती हूँ कि कल और लोग उठें इसके ऊपर बात करें और एक उनको पूरा का पूरा सपोर्ट मिले. बट अगर एक नॉर्मल एक आम महिला के साथ ऐसा होता है तो वो आप वैसे ही देखते हो, जैसे उन्होंने बताया कि एक लड़की को मार दिया जाता है और उसके ऊपर उसका वीडियो शूट करने का समय है बट उनको बचाने का समय नहीं है लोगों के पास. और जैसे इन्होंने कल इन्होंने दरख्वास्त की लोगों से, जो ये कमांडोज की मैं सुन रही थी अभी इनको, तो कमांडो से इन्होंने रिक्वेस्ट किया, पुलिस वैन वहाँ पे थी उनसे रिक्वेस्ट किया, होटल वालों से रिक्वेस्ट किया, अगर इनको सुरक्षा प्रदान नहीं हुई जो कि एक नामी ग्रामी चेहरा है तो आम लड़की का क्या सुरक्षित नहीं है? सुरक्षित नहीं है. बस मेरा यही फैसला होगा, मैं जल्दी से जल्दी चाहूँगी कि इस देश में जो ऐसे लोग हैं उनको हटा के एक नए लोगों को मौका मिले और पार्टी पे जल्दी से जल्दी. क्योंकि क्या होता है कि जैसे मैं नॉर्मली एक एग्जांपल देती हूँ कि एक माँ है, वो अपना खाना पीना बाहर काम करके पोछा झाड़ू करके घर में पैसा लाती है बट पति या बच्चे दारू में उड़ा देते हैं. तो वैसे ही पार्टी हम मतलब जो सिचुएशन है हमारी पार्टी की हो गई है. राहुल गांधी जी इतनी मेहनत करते हैं, प्रियंका गांधी जी इतनी मेहनत करती हैं बट संदीप जैसे लोग पूरी मेहनत पे पानी फेर देते हैं. तो मुझे लगता है कि नहीं. और आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि सीपी जैसे मतलब लाइक एआईसीसी जैसे जैसे 10 जनपद जिसे बोला जाता है जहाँ पे कितने ही एमपीस की घर हैं, कितने ही वहाँ पे मिनिस्टर्स हैं और कितने ही वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड पे पुलिस लगी हुई है, उस जैसी जगह पे मेरे साथ ये चीज़ें हो सकती है मीडिया के माध्यम से सारे चीज़ें. कल को मैं कोई भी इवेंट में जाती हूँ और आप लोगों को पता ही है कि इवेंट में जाने से पहले मुझे डालना पड़ता है कि मैं इस तारीख को फलाना दिन इतने बजे मैं यहाँ पे आ रही हूँ, कल को मेरे साथ कुछ भी हो सकता है. तो मुझे लगता है कि मैं तो सेफ नहीं हूँ क्योंकि आज ये इतना कर सकता है तो शायद कल अपनी जॉब को बचाने के लिए ये उससे हद तक भी जा सकता है. मुझे तो लगता है कि पहले अगर ये खबर सब जगह पहुंच रही है जो हम जहां तक पहुंचाना चाहते हैं, मैं चाहती हूं कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए पहले. क्योंकि जैसे कि उन्होंने बताया कि ऑलरेडी उनके इवेंट्स हैं और आगे भी जो वो शो कर रही हैं, जैसे आप खतरों की बात कर रहे हैं, तो कहीं पर भी कुछ भी पॉसिबल हो सकता है अभी. तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि इनको पहले सुरक्षा प्रदान की जाए और फिर उसके बाद जो भी है वो एक लीगल एक्शन इस पर लिया जाए जो हादसा हुआ है उस हिसाब से. थैंक यू.